तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका ये व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सअप है और आपका सेटिंग में जाएंगे और देखिए प्रोफाइल पिक्चर इतना दिखा रहा है, ठीक है। इसमें अभी दूसरा ऐड करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला फ़ोटो लिए हैं, देखिए ये फुल फ़ोटो नहीं आ रहा, ठीक है, कट जा रहा, इसको इस तरह से क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से तब जाके सेट होगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जो इसी फ़ोटो को फुल में लगा सकते हैं, कोई भी फ़ोटो को फुल साइज में लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट्सअप क्रॉप, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ देखिए शुरू में फ़ोटो है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फ़ोटो में जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट फ़ोटो में जाने के बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद फ़ोटो को चूज करना है, ठीक है, कहाँ है मेरा, इधर देखते हैं, वही फ़ोटो को खोजना है, देखिए यहाँ पर है ये वाला फ़ोटो, तो इसको ले लेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए इसका फुल साइज आ रहा, तो इसको आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉप्ड है, एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए फ्रेम लगा सकते हैं, सर्किल लगा सकते हैं, फिट टू स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, ये फुल साइज में है, ठीक है। यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वाला फ़ोटो आ गया है, फुल साइज में आएगा, इसको अभी लाने के लिए, फुल साइज लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेव में जाएंगे, ठीक है, सेव में जाने के बाद ऊपर में देखिए सेंड टू प्रोफाइल, देखिए अभी चल जाएगा उसके पास, इस तरह का ऐड आएगा फ्रेंड्स, इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए व्हाट्सएप में इस तरह का फुल साइज का फ़ोटो ऐड हो जाएगा, देखिए ओके कर देंगे, देखिए फुल साइज का आ गया, देखिए पूरा इधर उधर दाएं बाएं नहीं काटा, यहाँ से काट रहा था, ठीक है, लेकिन उसके द्वारा इसको फुल साइज में सेटिंग हो गया है। तो फुल साइज में प्रोफाइल इस तरह से व्हाट्सएप में लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप लोगों को दिखाते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह का पॉइंटर मोबाइल में कैसे लाएं, ठीक है, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी क्लिक कीजिए, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे मोबाइल के सेटिंग मोड में, ठीक है, सेटिंग मोड में जाने के बाद अबाउट में जाके डेवलपर को ऑन कर देना है, ठीक है, मेरा ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा, किसी किसी का डायरेक्ट ऑन रहता है, एडिशनल सेटिंग में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशनल सेटिंग में जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंटर खोजना है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए शो टैप, ठीक है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है, मेरा ऑन किया हुआ है इसीलिए पॉइंटर बता रहा है, ठीक है, ऑफ कर देंगे तो नहीं बताएगा, ठीक है, यही मेन है, ठीक है, शो टैप्स इसको ऑन कर देना है, उसके बाद बस देखिए पॉइंटर काम करने लग गया है। तो चलिए उसके बाद वाला, फेसबुक में यूट्यूब का वीडियो को लिंक के साथ कैसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब में, अपना यूट्यूब चैनल में जाएंगे, ओपन होने देते हैं, इस तरह का आएगा, लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, लाइब्रेरी में जाने के बाद योर वीडियो में जाएंगे, यहाँ से आपको एक वीडियो चूज कर लेना है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थ्री डॉट दिखा रहा है, ठीक है, थ्री डॉट में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर शेयर वीडियो, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक, ठीक है, कॉपी लिंक में क्लिक कर देंगे, ठीक है, उसके बाद होम पेज में आ जाएंगे, उसके बाद फेसबुक में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट समथिंग हेयर, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर दबा कर रखेंगे अंगली में, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, देखिए लिंक के साथ आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है, आ गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं लिखूँगा। उसके बाद देखिए ऊपर में दिखा रहा पोस्ट, पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आ गया, अभी यहाँ से कोई भी देख सकता है, ठीक है, ऊपर में लिंक है, देखिए ये वाला लिंक। तो इस तरह से करते हैं, करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे
अपने YouTube वीडियो को कमेंट को पिन कैसे करें, ठीक है, यानी फेवरेट कैसे बनाएं। जो कमेंट आपको अच्छा लगेगा तो उसको फेवरेट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर में कैसे लाएं। तो ठीक है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले YouTube ओपन करेंगे, ठीक है, अपना YouTube ओपन कर लीजिएगा और अपना वीडियो में चल जाएंगे, ठीक है, योर वीडियो में जाएंगे। जाने के बाद मान लीजिए मेरा ये वीडियो में कमेंट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको पॉज कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कमेंट आया हुआ है, ठीक है, इस तरह का कमेंट आया हुआ बहुत सारा। मान लीजिए एक कमेंट आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको फेवरेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला कमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखिए सुपर भाई साउंड टेस्ट स्टूडियो की तरफ से, ठीक है, तो इसको हम पिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ऊपर में एक पिन का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे और पिन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में आ जाएगा, फेवरेट रहेगा, जितना भी आपका मैसेज आ जाए, 1000, 2000, 3000, 1,00,000, जितना भी आ जाए मैसेज, लेकिन ये मैसेज सबसे ऊपर ही रहेगा, टॉप में ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, उसके नीचे दूसरा आएगा, ये फेवरेट हो गया मेरा, इसलिए इसको पिन कर दिए। तो इस तरह से आप पे आप भी कर सकते हैं पिन अपना यूट्यूब वीडियो के कमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आखिर में एक बता देते हैं, यूट्यूब में लाइव कैसे आए, लाइव चैट कैसे करें, लाइव कैसे आए, ठीक है। तो सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे, बहुत सिंपल सा बात है, यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 डॉट दिखा रहा है, ठीक है, 3 डॉट में क्लिक करेंगे, 1, 2, 3 नीचे सबसे देखिए गो लाइव, ठीक है, इसमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिएटेड टाइटल, आपको टाइटल लिख देना है, पब्लिश ही रहने देना है, ठीक है, लोकेशन आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, आप लाइव हो जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप लाइव हो सकते हैं, ठीक है, ओके।